दोस्तों कैसे हो आप सभी, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल सपोर्ट पर्पस। और दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों को बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में भाई मैं जो फिर से खेल रहा था डुओ, और आपको तो पता है जब भी मैं डुओ खेलता हूं तो फिर मैं ड्यू पे लेता हूं और सबकी चोटें रगड़ देता हूं। अच्छा, यस। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को काफी टाइम से मैं जो है ना हीलिंग वाले चैलेंज दिखाता, मतलब मैं जो है बॉस को मार रहा हूँ, हील बैटल कर रहा हूँ। तो मैंने कहा क्यों ना आज जो है आप लोगों को एक जबरदस्त रश गेम प्ले दिखाऊं। फिलहाल दोस्तों यहाँ पे जो है आज की इस वीडियो में आप लोगों को और भी ज्यादा मजा क्यों आने वाला है, क्योंकि भाई आज की इस वीडियो में दोस्तों मेरे को जो है फ्लेयर गन मिलने वाली है। अच्छा, और भाई आपको पता है जब भी फ्लेयर गन मिलती है तो भाई मजा बहुत ज्यादा आता है। लेकिन दोस्तों आज मैंने सोचा क्यों ना भाई इस फ्लेयर गन को किसी एनिमी में मार के देखते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आप जो इस वीडियो को एंड तक देखते रहना, मैं जब उस एनिमी को मारूंगा तो भाई वो मरता है या फिर दोस्तों यहाँ पर जो वो मेरी पेटी में आता है, क्या होने वाला है, क्योंकि भाई मैं जो है फ्लेयर गन का यूज करने वाला हूँ एनिमी के ऊपर। अब देखते हैं यहाँ पे क्या होगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। दोस्तों यहाँ पे जो है भाई मेरी फेवरेट जगह रखी थी पो चिकनी, और आपको पता है पो चिकनी का किंग कौन है, मतलब मैं हूँ। अब फिलहाल दोस्तों यहाँ पे जो है मैं अशोक के साथ में खेल रहा था, और भाई आपको तो पता है जब भी मैं इसके साथ खेलता हूँ ना तो भाई यहाँ पे दोस्तों जो है भाई मैं बहुत सारे किल निकालता हूँ। अब यहाँ पे दोस्तों जैसे भाई प्लेन पास आता है 780 मीटर के आसपास, तो भाई मैं फटाफट से कूद जाता हूँ, और यहाँ पे जो मैं कूदता हूँ ना तो भाई आप आसपास देख लो भाई कितने सारे बंदे आने वाले हैं। और यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को पता है, मैंने आप लोगों को कई बार बताया कि भाई मैं पो चिकनी का किंग हूँ, और क्योंकि भाई मैं जो है बंदर बन के खेलता हूँ भाई पो चिकनी में, तो मैं दोस्तों यहाँ पे जो इजिली सर्वाइव कर जाता हूँ, और आप लोगों को भी दिखाऊंगा कि आपको कैसे सर्वाइव करना है। हालांकि दोस्तों ऐसा नहीं है कि हर बार मैं भी सर्वाइव करता हूँ, मैं भी पिटता हूँ, लेकिन दोस्तों आप ज्यादातर चांसेस यहाँ पे सर्वाइव कर जाओगे अगर आप मेरी तरह खेलोगे। फिलहाल दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत सारे बंदे आए थे, और भाई जब मैं यहाँ पे उतरा ना जहाँ पे मेरी रजिस्ट्री करा रखी है 5 घरों में, तो यहाँ पे मेरे सामने एक बंदा कूद जाता है और भाई मेरे को यम यम यमपी मिलती है, और मेरे को भाग रहा होता है बच के। अबे दाता कहाँ है ताले? अरे बचाओ, फटे निकले एक और रोबिश पीछे पड़ गया। अरे भाग लो भाग लो भाग लो। अब फिलहाल दोस्तों जैसे ही मैं इसको मारता हूँ ना, तो मैं दोस्तों यहाँ पे जो अपनी यम यम यमपी का रिलोड मारता हूँ, और मेरे को भी सामने एक और बंदा दिखता है जो कि भाई लूटा पार्टी कर रहा था, कूड़ा बिन रहा था। मैंने कहा तेरे को अभी बिनवाता हूँ कूड़ा। फिलहाल दोस्तों यहाँ पे जो है मैं भागता हूँ उसको मारने के लिए, और अब देखो अब ये देखो मेरे को दिख गया था जीने के बस स्कैम कर रहा है। तो फिलहाल दोस्तों यहाँ पे जो मैं इसको नॉक करता हूँ और भाई पूरा खत्म करता हूँ। फिलहाल दोस्तों यहाँ पे जो है इसको मारने के बाद भी यहाँ पे दोस्तों जो है अभी बंदे खत्म नहीं होते भाई, यहाँ पे आसपास बहुत सारे बंदे थे, और यहाँ पे जो है ना मेरे चारों तरफ बंदे थे, तो यहाँ पे जो है ना हमें होल्ड करना पड़ता है, ठीक है, पोचिंग की। भैया नहीं कि आप ओपन में कहीं भी निकल जाओगे, और आप देख सकते हैं मेरे रोड के साइड वाले घर में भी ना जस्ट बंदा था। तो यहाँ पे मैं आता हूँ, पहले लूटा पार्टी करता हूँ, और सामने मेरे को बंदा दिख रहा था, तो मैंने हंसू को बोला एक काम करते हैं इसको भाई फटाफट से मारते हैं, ठीक है, कोई बम्बानी बम्बानी मार। तो यहाँ पर जो है हंसू पहले बम्बानी मारता है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर कुछ होता नहीं है, तो फिर मैंने कहा चलो भाई मेरे पास भी बम्बानी फेंकता हूँ और बनने की कोशिश करता हूँ अंबानी। पहले घर में और एक बंदा पीछे भाग गए। अब देखो जैसे मैंने यहाँ पे दोस्तों बम्बानी फेंका ना भाई, वो जो है बंदा वहां से हिल गया और बच जाता है। तो मैं स्कार गन निकालता हूँ और अंधाधुंध फायर करता हूँ, सोचता हूँ प्री फायर में आ जाएगा, लेकिन भाई वो आता नहीं है। तो यहाँ पर जो है मैं भाई ऊपर आता हूँ और भाई थोड़ी बहुत लूटा पार्टी करता हूँ, और अब देखो क्या होगा। सुनो सुनो ये सबको मैं ना मॉली डालता हूँ निकल के बाहर। अब भाई साहब उसने बम्बानी फेंक के मारा था, वो भी बनने कुछ करता अंबानी। तो यहाँ पर मैं जो है भाई बचने के लिए इस साइड में आता हूँ। अब मैं उसको टीपी पे लेके देख ही रहता हूँ भाई, मेरे पड़ती है दूर से। अब यहाँ पर जो है भाई चार तरफ से भाई बंदे ने मेरे को घेर लिया था, और भाई मेरे बगल वाले घर में बंदा था, अभी आप ध्यान से सुनना। अब यहाँ पर से मैंने कहा चलो भाई लगता है मरने वाला हूँ, तो आखिरी से पूरी कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो मैं एक ब्रेंडा घूट मारता हूँ, और यहाँ पर से एक तकिया भी लगा लेता हूँ। मैंने कहा अरे भाई ये साथ लेकर जाऊंगा नहीं, दो तकिए पड़े बाद में देखूंगा भाई, पट्टी वट्टी अभी नहीं रगड़ रहा, निकल जाएगी मेरी टट्टी। फिलहाल दोस्तों यहाँ पर जो है मैं सोचता हूँ क्या करूँ क्या करूँ भाई, मैंने अशोक को बोला कि काम करते हैं पीछे फॉल बैक कर, यहाँ तो फंस गया। फिलहाल दोस्तों यहाँ पर जो है मैं पीछे की तरफ भागता हूँ, क्योंकि मुझे पता था वहाँ पे सेफ नहीं हूँ। फिलहाल दोस्तों यहाँ पर जो मेरे पास लेवल 1 का टोपा भी नहीं था, तो अब जाके मिला था। अब यहाँ पर मैं जो तीसरे घर की तरफ आता हूँ, और भाई यहाँ पर दोस्तों मेरे को एक लैपटॉप मिल जाता है, और अच्छी खासी लूटा पार्टी मिल जाती है, ठीक है, तकिया वकिया मिल गया था, ठीक है, और होलो भी मिल गया था, तो जिससे मैं बंदों को खोलूंगा। और यहाँ पर लेवल 2 का टोपा मिल गया था। यहाँ पर जो है मैं आगे आता हूँ, अब मैं सोच रहा था यार यहाँ ना क्या करता हूँ, बंदर बन के ना बंदों को मारता हूँ, ठीक है, क्योंकि आपको तो पता है भाई मैं जो है पोचिंगी का बंदर हूँ, और भाई मैं जो है पोचिंगी में हमेशा बंदर बन जाता हूँ। फिलहाल दोस्तों यहाँ पर जो मैं पहले चेक करता हूँ अच्छे से कोई है तो नहीं ना, अच्छे से पहले मैं झांक रहता हूँ, और मैंने कहा ये सही मौका है बंदर बनने का, और फटाफट से बंदर बनते हैं। अब फिलहाल दोस्तों यहाँ पर जो है मैं आप लोगों को भी एडवाइस देता हूँ बंदर बनने के लिए, लेकिन देखो कई बार क्या होता है। अभी देखो यहाँ पर दोस्तों जो है मैं बंदर बन के बैठा था, और देखो सामने वाला बंदा भी जो है ना बंदर बन के बैठा था, और अभी आपको दिखाऊंगा। और भाई साहब मेरे जो साइड से पड़ी, और आप देख सकते हैं सामने भी बंदर बन के बैठा था। फिलहाल दोस्तों यहाँ पर जो मैं मर जाता हूँ, और भाई अब जैसे दोस्तों यहाँ पे मैं मरता हूँ ना भाई, मैंने कहा अरे यार मतलब भाई मेरे ऊपर थर्ड पार्टी हुई, मतलब
ठीक है, कोई और बंदे ने मेरे को देख लिया था, मार दिया था, तो भाई मैं दोस्तों यहाँ पे जो है रिकॉल होकर वापस आ रहा था, ठीक है, क्योंकि भाई मेरे पास तितली थी, लेकिन मैंने हंसू को बोला भाई उसको मार रहा जरूर, ठीक है, कुछ भी कर उसको मारियो जरूर। फिलहाल दोस्तों यहाँ पे जो है हंसू उसको मार देता है। अब मैंने कहा यार अब एक बात बता, मैं किस साइड में आऊँ, ठीक है, ये तो बंदा मर गया जिसने मेरे को मारा है, वो तो मर गया, लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो है मैं वापस वहाँ आ सकता हूँ, मैं हंसू से पूछता हूँ, क्लियर करता हूँ बात। हंसू बोलता है आ जाओ आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई अब दोस्तों यहाँ पे जो आपको पता है ये प्लेन जो है भाई बहुत देर में पहुंचाता है, तो 2000 ईयर लेटर अब आपको दिखाता हूँ आगे क्या हुआ। 2000 ईयर्स लेटर अब यहाँ पे दोस्तों फाइनली मैं जो भाई पोचकिनी के पास में वापस से पहुंच गया था पूरे 2000 साल बाद। और भाई आप देख सकते हैं जैसे दोस्तों यहाँ पे मैं आ रहा होता हूँ ना, तो यहाँ पे जो है मैं अपनी पेटी की तरफ वापस जा रहा था, और अब देखो मेरे को नीचे एक बंदा दिखता है। अब जैसे दोस्तों ये मेरे को बंदा दिखाना, तो भाई मेरे को जो है एक रिजर्वेशन आती है, मतलब मेरे फ्रेंड की किसी की, तो मैंने देखा कौन है कौन है, तो भाई मैंने देखा टैग गेमिंग है। अरे मैंने कहा अरे अभी तेरे को रिजर्वेशन भेज दीजिए, अभी तेरे छोटे करता हूँ, रुक जा। फिलहाल दोस्तों यहाँ पर जो है मैं भाई अपनी पेटी में आता हूँ, वापस लूटापाटी करता हूँ, क्योंकि मुझे पता था उस बंदे को ऊंची पूजी था, गॉडगन से तो नहीं मार सकता हूँ, तो भाई मेरे को अपना स्कार का एल चाहिए था, और भाई साथ में जो है यम 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 भी चाहिए थी। फिलहाल दोस्तों यहाँ पर जो है मैं घबराते घबराते पेटी लूटापाटी कर रहा था, क्योंकि भाई मेरे को पता नहीं भाई कहीं से पड़ सकती थी, क्योंकि भाई मैं सेफ नहीं था। फिलहाल दोस्तों यहाँ पर जो है भाई आपको तो पता है लूट का लालच और केड़ी की भूख इंसान को मरवा देती है, तो भाई मैंने जो है रिस्क लेके लूट लिया। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो है मुझे पता था वो जो बंदा ना ट्रिपल स्टोरी की छत पे चढ़ेगा और मैं उसको मारूंगा, और आप देखो अब मैं यहाँ पे दोस्तों झांकी रहता हूँ, और भाई वो देखता भी है, लेकिन असु मेरा किल चुराता है। मैंने कहा अरे यार असु तूने क्या लास्ट टाइम पे गोली मारी है। फिलहाल दोस्तों यहाँ पे जो है आप असु जैसे उसको मारते हो, तो मैं आगे की तरफ जाता हूँ, क्योंकि भाई रोड की साइड में भी कुछ बंदे थे, तो मेरे को उनको मार रहा था। अब यहाँ पे तो असु को तो किल मिल जाता है उसको, लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो है मैं रोड की तरफ वाले बंदों को चेक करता हूँ, मेरे को एक बंदा दिखता है। अब मैं इसको नॉक करता हूँ और भाई पूरा फिनिश करने की सोच रहा था, क्योंकि भाई मेरी स्कार का रीलोड पे आती है, मतलब भाई उसकी एमओ खत्म हो गई होती है, लेकिन भाई मेरा फिर से किल चोरी हो जाता है, और भाई मेरा कुछ ऐसा रिएक्शन होता है। मैं नहीं खेल रहा, मेरे को खेलनी नहीं है, माफ करो मुझे, मैं नहीं खेलता ये गेम। अब फिलहाल दोस्तों यहाँ पर जो भाई मेरा किल चोरी हुआ ना, मैं बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गया। मैंने कहा अरे यार ये क्या हो रहा है भाई, किल नहीं हो रहे मेरे पोचकनी में, भाई दो ही किल है। फिलहाल दोस्तों यहाँ पर जो है अब भाई एक बार तो मैं मर चुका था, और मैं दूसरी बार रिस्क नहीं ले सकता था। फिलहाल दोस्तों यहाँ पर जो है मेरे को एक चीज मिल चुकी थी कि भाई अभी जो है ना ऐसे किल नहीं मिलने वाले, होल्ड कर करके अगर मैं खेलूंगा अब मेरे को जो है घुसना पड़ेगा। फिलहाल दोस्तों यहाँ पर जो है मैंने कहा घुसूंगा तो मैं फिर भी नहीं, क्योंकि भाई मेरे पास रिकॉल नहीं बचा हुआ है, बस हवा निकल गई। तो मैंने ऐसे को बोला भाई मेरे को थोड़ी बहुत स्कार का एलके एमओ दे, कमलेश कैरी वाली गोलियां दे, और भाई जैसे दोस्तों यहाँ पे मेरे को देता है ना, मैंने कहा चल आगे चल आगे चल, अब बंदर बनने का टाइम आ चुका है। अब दोस्तों यहाँ पे जो है प्रोफेशनल बंदर बन के दिखाऊंगा आपको मैं। फिलहाल दोस्तों यहाँ पे जो है मेरे को जाते जाते बंदे तो दिख रहे थे, लेकिन मैंने कहा भाई पहले ऊपर चढ़ के ही मारूंगा बंदे। फिलहाल दोस्तों यहाँ पे जो है मैं आगे बढ़ता हूँ, इस लैट्रिक में से मेरे को करोनो का टीका मिल जाता है, और एक करोनो का कड़वा काढ़ा भी मिल जाता है, तो मैंने कहा चलो भाई इनको लेके आगे बढ़ते हैं। और अब देखो दोस्तों यहाँ पे जो है मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कैसे बंदे मारते हैं। अब सबसे दोस्तों यहाँ पे जो है मैं इस घर की तरफ आता हूँ, और यहाँ पर जो है गेट खोलता हूँ, और भाई इस वाले घर के रूफ पे चढ़ जाता हूँ। अब जैसे दोस्तों यहाँ पे मैं चढ़ता हूँ ना, तो भाई मुझे पता था रोड की तरफ में कुछ बंदे तो है ही, तो यहाँ पर जो है मैं जंप मारता हूँ और इधर आता हूँ। और अब देखना दोस्तों यहाँ पे जो है एक बहुत फनी सीन आने वाला है, मतलब भाई आपको एक बंदा दिखाऊंगा जो कि भाई क्या ही कर रहा होगा, अभी आप देखते जाना। अब यहाँ पे दोस्तों मैं जो इस वाले घर के ऊपर ना बैठ के बस चढ़ के भाई बंदे चेक ही कर रहा हूँ। अब भाई एकदम से दोस्तों मेरी जो है ट्रिपल स्टोरी पे नजर आती है, और मैं देखता हूँ ये कौन है, वेट अ मिनट। फिलहाल दोस्तों यहाँ पे जो है इसको देख के भाई मेरी इतनी हंसी छूटती है ना भाई, मतलब ये बंदा पता नहीं यहाँ पे क्या कर रहा था। मैंने कहा भाई ये ऑफलाइन बैठा है या कैम कर रहा है। फिलहाल दोस्तों यहाँ पे जो मुझे लग रहा था शायद इसके मम्मी पापा आ गए होंगे, और भाई इसके चप्पल चप्पल दी होगी, और भाई ये जो चुपचाप यहाँ पे लेट के ऑफलाइन होकर पड़ा हुआ था। फिलहाल दोस्तों यहाँ पे जो मैं इसको टन टन करके दो तीन मारता भी हूँ, मैं सोचता हूँ शायद अगर भाई रियल में मतलब कैम कर रहा होगा चुपचाप लेटा होगा तो भाई कुछ हिंट देगा, लेकिन भाई देता नहीं है। अब मैं देखता हूँ भाई ये दीवार से चिपक गया था, एक आदमी जैसे खंबे से चिपक जाता है ना करंट मारने का, ये दीवार से चिपक गया था। फिलहाल दोस्तों यहाँ पर जो मैंने भाई इसको पूरे चिपका दिया, और भाई इसको भाई जो है घर में फेंक डाला। फिलहाल दोस्तों यहाँ पर जो है जब इसके स्कार का पड़ा, तो भाई ये जो है रिवाइव मांगने भागता है, लेकिन भाई मैं जो है करो कड़वाड़ा गाड़ा फेंक के मारता हूँ, आवाज आती है अरे कौन भाई दोस्त चल गया टट्टी निकल गई। अब जैसे दोस्तों यहाँ पे जो मरता है ना, तो भाई इसका टीममेट भी मचलता है और बोलता है अरे भाई तूने मेरे टीममेट को कैसे मारा, तूने मेरे टीममेट को कैसे मारा, और भाई ये जो है पागल उधर उधर चलता है, और भाई यहाँ पे जो है दूसरा लिखित ग्रुप आता है, और यहाँ पे जो है ये कैम करता है, और इसको ये नहीं पता मैं जो है बंदर बन के बैठा हुआ हूँ। और अब देखो दोस्तों यहाँ पे जो है मैं इसको कैसे मारूंगा। अब इसका पूरा ध्यान ना मेरे टीममेट के ऊपर था, और यहाँ पर दोस्तों जो है मैं इसको इधर ही फिनिश करता हूँ। लेकिन दोस्तों जैसे ही मैं इसको फिनिश करता हूँ, तो भाई पोचिंग में अगर आप बंदर बनते हो ना तो रिस्क भी रहता है, देखो मेरे को पड़ी दूर से, तो भाई आपको हमेशा अलर्ट रहना पड़ता है। इसलिए दोस्तों यहाँ पर जो अगर आपको ऊपर चढ़ के खेलना है ना, तो आपको ना मतलब बहुत ज्यादा अलर्ट रहना पड़ता है, कई बार आपको बहुत तेजी से उतरना पड़ता है और बहुत कुछ करना पड़ता है। फिलहाल दोस्तों यहाँ पर जो है अब उस बंदे की बात है जिसने भाई मेरे को मारने की कोशिश करती लेट के, अब मैंने कहा रुक जा बेटा तेरे को अभी लेट आता हूँ। फिलहाल दोस्तों जब इसने मेरे को फायर दिया ना, तो जैसे इसे देखा भाई ये बच गया, तो भाई वो चूरण की स्पीड में स्कॉडोस के अंदर भाग गया, तो मैंने कहा रुक जा तेरे को बताता हूँ। फिलहाल दोस्तों यहाँ पर जो मेरे पास थोड़ी बहुत लूट की कमी थी, तो मैंने कहा लूटते जाऊंगा, कूड़ा बीनते बीनते जाऊंगा, पूरी पोचिंग की मैं झाड़ू मारते मारते जाऊंगा, और फिर उसको मारूंगा। फिलहाल दोस्तों यहाँ पर जो है मैं कोरोना का टीका लगाता हूँ, क्योंकि अभी अभी मैंने
बहुत सारे लोगों को था यहाँ पे पीटा, तो मैंने कहा चलो भाई कोरोना का टीका लग गया है। और अब दोस्तों यहाँ पे जो इसको मारने की बारी थी, इससे पहले दोस्तों यहाँ पे जो है मैं थोड़ी बहुत लूटा पार्टी करता, मुझे ना कमलेश की हरी वाली गोलियां चाहिए थी, लेकिन दोस्तों मेरे को वो मिल नहीं थी। फिर मैंने कहा चलो भाई यहाँ से बंदर बनते हैं और चेक करते हैं दोस्तों यहाँ पे जो है वो बंदा यहाँ से दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। और जब मुझे लगता है ना रास्ता क्लियर है तो मैं आगे वाले घर की तरफ जाता हूँ, क्योंकि भाई आगे वाले घर पर अगर मैं बंदर बनूंगा तो मैं जो स्क्वाडस में डायरेक्ट जंप मारता हूँ, और यहाँ पर मेरा वही प्लान था। और आप देखो उसको मैं कैसे मारूंगा, ठीक है। और भाई अभी आपको बहुत तगड़ी चीज देखने को मिलने वाली है, मतलब आपको इतना तगड़ा कैंपर दिखेगा ना। फिलहाल दोस्तों यहाँ पर जो है मैं भाई लूटा पार्टी करता हूँ, मेरे को मिल जाती है यहाँ पर सीधा गार्ड गन, तो मैं काफी ज्यादा खुश होता हूँ। मैंने कहा भाई यही चीज तो ये थी। फिलहाल दोस्तों यहाँ पर जो है मेरे को ये भी मिल गई थी और अब मर थी बस बंदर बनने की, और अब देखो उसको मैं कैसे मारूंगा। अब यहाँ पर तो मैं उसको चेक कर रहा था कहीं दिख जाए कहीं दिख जाए, लेकिन भाई वो मेरे को कहीं दिखता ना, तो कोई फुस्टा बात है। फिलहाल दोस्तों यहाँ पर मैं सोच रहा था यार क्या करूँ क्या करूँ, आगे जाऊँ या ना जाऊँ, क्या पता भाई कहाँ पे कैंप करके बैठा हूँ। फिर मैंने कहा चलो भाई कोई बात नहीं, सस्ता वाला कृषि बनते हैं, और मैं भाई जम मारते हुए आगे बढ़ता हूँ। और अब देखो दोस्तों यहाँ पे जो है मैं कृष्ण बन के कैसे उसकी पिटाई करने वाला हूँ। अब मैं यहाँ पे दोस्तों ऐसे जम मारता हूँ, और दोस्तों यहाँ पे जैसे ही मैं अंदर आता हूँ, और आप देखो भाई साहब सीढ़ी में बैठा था कैंप करके, और भाई बिल्कुल हिला नहीं था। अरे ओ चड्डी बलियान ये ले। फिलहाल दोस्तों यहाँ पे जो है भाई इसको मैं मारता हूँ, और चड्डी बलियान जैसे नॉक होता है ना तो अपने दोस्त को बुलाता है, बोलता है अरे भाई जल्दी आ जल्दी आ जल्दी आ, बलियान फाड़ दी इसने मेरी। फिलहाल दोस्तों यहाँ पे जो ये बंदा आता है, और आप देखो ये भी लाल चड्डी में था, मैंने कहा बैठे बताता हूँ अभी मैं रीलोड हुई कैसा लगा। फिलहाल दोस्तों यहाँ पे जो इन दोनों को मैं मार देता हूँ, एक का निकल जाता है व्हाइट व्हाइट पाथ, एक का निकल जाता है ऑरेंज ऑरेंज पाथ। कैसा लगा मेरा मजाक। फिलहाल दोस्तों यहाँ पे जो इन दोनों को मारने के बाद ना भाई मेरे 7 किलो हो जाते हैं, और भाई मैं काफी ज्यादा खुश होता हूँ, क्योंकि भाई फाइनली भाई मैं पोचिंग का किंग बन गया था वापस से, और मैंने सबकी चोटी रगड़ दी थी। अब फिलहाल दोस्तों यहाँ पे जो है ना मेरे को भाई काली डंडी मिल गई, तो मैं भाई फटाफट से उठाई रहता हूँ। और अब देखो दोस्तों यहाँ पे जो है सबसे इंटरेस्टिंग बंदा आने वाला है पूरे गेम में, और भाई अपने यहाँ पे दोस्तों जो है भाई फटाफट से केड़ी बढ़ाता हूँ, और भाई इसे दोस्तों यहाँ पे जो मेरे 8 किलो जाते हैं। और यहाँ पे अब जो है ना भाई पोचिंगनी में कोई नहीं था भाई, हमने पूरा का पूरा पोचिंगनी खाली कर दिया था। तो भाई मैं अपने यम फोर द गॉर्डन को भाई 6x को 3x बनाता हूँ, और यहाँ पे जो है भाई फटाफट से जो है गाड़ी ढूंढता हूँ कमलेश की स्पीड में। अब यहाँ पे तो भाई कमलेश की तरफ भागते भागते भाई मेरे को जो है भाई ये जो है एक सोड़ी की जीप मिल जाती है, तो भाई मैं इसमें बैठता हूँ और भाई हसू को बैठाता हूँ, और धूम मचाते हुए सीधा निकल जाता हूँ दोस्तों स्कूल की तरफ में, क्योंकि भाई मेरे को पता था वहीं पे जो है दोस्तों बंदे मिल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो भाई अब कोई आने वाले नहीं, क्योंकि भाई जोन के बाहर हो चुका था। तो मैंने कहा चलो भाई स्कूल की तरफ चलते हैं, और अब देखो दोस्तों यहाँ पे जो है मैं कैसे बंदे बदलने वाले हैं। अब यहाँ पे जो हम जो है धूम मचाते हुए भाई पहले स्कूल की पहाड़ी की तरफ जा रहे थे, क्योंकि हम चेक करने के लिए जा रहे थे बंदे हैं या नहीं। और अब देखो अब पीछे ना में हल्की सी आवाज आती है शायद कोई बंदा है, तो यहाँ पे असू बोलता है कमलेश है कमलेश है, मैंने कहा नहीं यार कमलेश नहीं है शायद विमलेश है, ठीक है। लेकिन असू बोलता है नहीं कमलेश है कमलेश है, मैंने कहा अच्छा। फिलहाल दोस्तों यहाँ पे जो मैं बहुत जोर का हंसता हूँ, मैंने कहा अच्छा ले 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 कमलेश तारा ले 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 कमलेश तारा। फिलहाल दोस्तों यहाँ पे जो है हंसू नोक हो जाता है, तो भाई इसको रिवाइज देना था इसकी चाल से, अपने तो ओपन में गाड़ी में बाबा कुछ कर ही नहीं रहे। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो है अब देखो यहाँ पे जब मैं इसको रिवाइज दे रहा हूँ ना तो बंदा आता है। अब भाई यहाँ पे दोस्तों जो है हमारे ऊपर रश करने आ रहा होता है, तो आपको फर्स्ट स्टेप तो आ ही गए होंगे, और आप देखो इसको दोस्तों हम जो है कैसे मारने वाले हैं। फिलहाल दोस्तों यहाँ पे जो है इसकी पोजीशन नहीं पता थी, और भाई ये जो ऊपर में कहीं घास में आके लेट गया था, तो मैंने कहा यार ऐसे मत जाइए भाई नागिन बनकर डस लेगा। फिलहाल दोस्तों यहाँ पे जो है मैंने भाई मरने से पहले आपसे पूरी करी एक पेप्सी घूट मारी, और मैंने कहा जो मेरे पास एक आइडिया इसको मारने का, तो यहाँ से मैंने जान पूछ के पहले भाई ये जो है 500 के बंडल फेंक के मारे बीड़ी के, मैं सोचा भाई अगर बीड़ी का चार शुरू होगा तो भाई क्या पता भाई बीड़ी की तरफ ध्यान जाए इसका, और भाई बीड़ी में जाके जो है बीड़ी पीने लगा और मैं इसको मार दूंगा। लेकिन दोस्तों फिर मैं जो है भाई बंदर बनता हूँ यहाँ पे भी, और भाई इस फट्टी के ऊपर चढ़ जाता हूँ, और जैसे दोस्तों उस फट्टी के ऊपर मैं चढ़ता हूँ तो मेरे को देखना बंदा दिख भी जाएगा। तो यहाँ पर तो मैं जो भाई एक मोली फेंक के मारता हूँ करना कड़वा कड़वा काड़ा, और मैं दोस्तों उसको मार दूंगा, लेकिन भाई मैं देखता हूँ सामने पेड़ के पीछे कब आ गया वो, और भाई वो मेरे ऊपर मोली फेंक देता है, और भाई मैं जल जाता हूँ। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो भाई मेरी टट्टी नहीं निकलती, और यहाँ पर मैं बच जाता हूँ। अब यहाँ पर मैं जो है बैठ के तकिए लगा रहता हूँ, और भाई वो रश करने आता है, मैंने कहा रुक जा बेटा तेरे को अभी करवाता हूँ रश। अब फिलहाल दोस्तों यहाँ पर जो है इसका नाम पढ़ रहा हूँ गुंडी गुंडी बदमाश। अब फिलहाल दोस्तों भाई इतना हंसता हूँ ना भाई इसके नाम से मैं, भाई मतलब क्या ही नाम रखते हैं भाई लोग, गुंडी गुंडा सुना था मैंने, लेकिन गुंडी भी आ गई भाई मैच में। फिलहाल दोस्तों यहाँ पे जो है मैं इस गुंडी को मार देता हूँ उसका, दोस्तों यहाँ पे जो है इस गुंडिया भाव की पेटी को लूट डालता हूँ। फिलहाल दोस्तों यहाँ पे जो है इससे मेरे को जो है एक लाल बिंदु मिल जाता है, तो मैं फटाफट से उठाता हूँ। अब भाई स्कूल अपार्टमेंट की तरफ से ना मेरे जो है फायर आते, तो मैंने कहा चलो भाई इनको देखते हैं बंदे कहाँ पे है। अब यहाँ पे जो है मैं आगे बढ़ता हूँ, और अब देखना मेरे को बंदा दिखेगा भी।
अब यहाँ पर तो मैं पेड़ के पास आके भाई टीपी भी ले रहता हूँ, भाई इतने में जोर आता है और वो लेता है मेरी पप्पी और सामने से एनिमी भी हमें देख लेता है। तो भाई मेरे को एनिमी दिख गया था और एनिमी ने मेरे को देख लिया था, तो मैंने कहा अब देखते हैं कौन किसको मारेगा। भाई आप देखा टन टन टन, भाई मैंने दो दो हेड मारे लेकिन भाई वो बच गया। तो यहाँ पर तो मैं लगाता हूँ पट्टी क्योंकि भाई मेरे को थोड़ा बहुत डैमेज दिया था ताकि ना निकल जाए मेरी टट्टी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो स्टिल जोन भाई जो मैं निकाल रहा था टट्टी, तो भाई मेरे को कंटिन्यू लगानी पड़ रही थी बार बार पट्टी। तो फिलहाल दोस्तों यहाँ पर जो है अब मैं सोच रहा था क्या करूँ क्या करूँ, भाई मैंने अशोक मार कर दिया था, एक बंदे वहाँ पे है और एक नहीं दो दो बंदे हैं। फिलहाल दोस्तों यहाँ पर जो मैंने अशोक बोला तो तू नो कर दे तो मैं करता हूँ। अब भाई मैंने एक और टन मारा उसके, लेकिन भाई यहाँ पे दोस्तों जो है वो पता नहीं अंडरटेकर था क्या था, भाई टन टन से उसको कुछ हो नहीं रहा था। अब फिलहाल दोस्तों फाइनली भाई अशोक ने एक बंदे को नॉक किया, मैंने कहा रश कर रश कर रश कर। फिलहाल दोस्तों यहाँ पर जो मैंने अशोक बोला फटाफट गाड़ी लेके मेरे पास था, इतने में दोस्तों यहाँ पर जो मैं एक लैपटॉप लगा लूंगा। अकेले जाऊं साथ में चलोगे? अब फिलहाल दोस्तों यहाँ पर जो भाई मैंने एक लैपटॉप लगा लिया था, तो मैंने अशोक बोला चल चल जल्दी बैठा जल्दी बैठा। और जैसे दोस्तों यहाँ पर मैं गाड़ी में बैठता हूँ तो भाई हम रश करने निकल जाते हैं। और आप देखो अब भाई इन लोगों ने ना अशोक एचपी बहुत ज्यादा कम कर दी थी, इसलिए दोस्तों यहाँ पे जो ये बंदा मेरे को बता रश करने जरूर आएगा। और आप देखो रश करेगा रश कर देगा बेटा रश कर दूंगा। फिलहाल दोस्तों यहाँ पे जो है इसका दूसरा बंदा भाई मोली फेंक के मारता है, बोलता है भाई तू मर तो चुका है ले भाई अग्नि भी देता हूँ तेरे को। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो है मैंने कहा भाई अग्नि भी भाई दूंगा उसको। फिलहाल दोस्तों यहाँ पे जो है मैं यम 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 पीछे उसको मारता और भाई लगाता हूँ पट्टी ताकि ना निकल जाए मेरी टट्टी। और फिर दोस्तों यहाँ पे जो है मैं एक वेरेंडा घूट भी मारता हूँ अच्छे से बैठ के। और अब देखना दोस्तों यहाँ पे जो है ना मैं इसको 300 IQ लगा के कैसे मारने वाला हूँ, क्योंकि भाई ये बंदा कर रहा था कैंप बहुत देर से, ठीक है। और भाई ये निकलने को तैयार नहीं होगा। फिलहाल दोस्तों यहाँ पे जो मैं इस खिड़की के पास में आता हूँ और मुझे पता था ये वाला जो बंदा है ना भाई जोन आने वाला है, ठीक है 50 सेकंड के बाद में, और भाई ये जो है ना बाहर निकल के जरूर आएगा। फिलहाल दोस्तों यहाँ पे जो है पहले तो मैं बहुत प्रयास करता हूँ इसके ऊपर मोली फेंक के मार दूँ नेट फेंक के मार दूँ, लेकिन ये बंदा ने तरह गंदा कैंप करता है भाई आता ही नहीं है। और भाई तो मेरे दोस्तों यहाँ पे जो एक और गाड़ी आती है जो कि दोस्तों भाई यहाँ पे ऑलरेडी फाइट देखते हुए निकल जाती है। अब यहाँ पे दोस्तों जो है इस बंदे को मारने के लिए ना भाई मैं सोचता हूँ कि क्या करूँ क्या करूँ, भाई मेरे पास ना मॉली नेड वगैरह सब होते हैं। लेकिन दोस्तों अभी आप देखते जाना भाई ये मतलब बंदा ना इतना चिढ़ाएगा ना मैं, और भाई फिर मैं इसको कैसे चिढ़ाऊंगा वो देखना। अब यहाँ पे तो मैं सोच रहा था चलो भाई बम्बानी फेंक के मारता हूँ शायद डर बढ़ जाए भाई बिल्डिंग से कूद जाए भागने की कोशिश करे, लेकिन भाई ये तो भाई निकलने को तैयार ही नहीं था। और भाई देखते देखते दोस्तों यहाँ पे जो 19 सेकंड बचे थे जोन आने में और भाई मेरे सारे के सारे बम्बानी खत्म हो गए थे, तो मैंने कहा चलो भाई करनो कड़ो काढ़ा ही बचाए वो और फेंक के मार देते हैं। अब यहाँ पे सुबह सोच ही रहा था मारने के, लेकिन दोस्तों मैं देखता हूँ इससे जो है ना बागड़ी के ऊपर जो है स्मोक फेंक के मारा है 500 का बंडल, तो मैंने जो है ना वो मोली वही फेंक के मारी उसके मुंह पे। मैंने कहा रुक जा बेटा तू जाएगा कैसे तो को जाने दूंगा। फिलहाल दोस्तों यहाँ पे जो है इतने में दोस्तों यहाँ पे जो जोन भी आने वाला था और भाई अब वो लेने वाला था हम लोगों की पप्पी, तो भाई एनिमी और हमारी दोनों की निकलने वाली थी टट्टी। अब फिलहाल दोस्तों यहाँ पे जो है मैंने अशोक को बोले काम करते ठीक है। अब मैंने यहाँ पे दोस्तों जो अपना 300 IQ लगाया मैंने बोला अशोक एक काम कर पीछे गाड़ी खड़ी ना लेके भाग जाए, लगेगा हम लोग भाग गए। और अब देखो दोस्तों यहाँ पे जो सबसे ज्यादा फनी सीन होने वाला है। अब यहाँ पे दोस्तों देखना अब अशोक जो है गाड़ी निकालेगा और भाई वो जो बंदा है भाई देखना कितनी गंदी दिखाएगा इसको मारने के लिए। अब उसको लगा दोस्तों यहाँ पे जो मैं और अशोक दोनों जो है गाड़ी लेकर निकल गए और इसलिए दोस्तों यहाँ पे जो है भाई वो जो है मुंडी निकालता है और हमारे ऊपर भाई फायर करता है और मैं भाई इसको मारता हूँ और भाई उसका कुछ ऐसा रिएक्शन होता है। अब फिलहाल दोस्तों यहाँ पे जो भाई मैं अनस्टॉल भाई इसको मार के आ रहे भाई साहब मतलब भाई चिड़ गया होगा भाई चिड़ अनस्टॉल मार दोगे भाई इसने गेम डिलीट मार दोगे भाई चिड़ के मारे। अब फिलहाल दोस्तों यहाँ पे जो भाई मैं जो इसकी बागड़ी उठाता हूँ और भाई चूरने की स्पीड में धूम मचाते हुए सीधा जोन की तरफ निकल जाता हूँ। अब फिलहाल दोस्तों हम जो है भाई फाइनली ब्रिज भी क्रॉस कर लेते हैं और यहाँ पर हम जो है थोड़ी देर होल्ड करते हैं और चेक करते हैं बंदे कहाँ आ सकते हैं। फिलहाल दोस्तों यहाँ पर जो है मेरे को लग रहा था यार हमने यहाँ पे सही नहीं है ठीक है सेफ जगह नहीं है ये, क्योंकि हमें कोई ना कोई कंपाउंड होल्ड करना चाहिए। इसलिए दोस्तों यहाँ पर जो है मैंने डिसाइड करा हम यहाँ से निकलेंगे। और अब दोस्तों यहाँ पर जो है हम गाड़ी बैठते हैं और अब देखो दोस्तों हमें जो बंदे कहाँ मिलने वाले हैं। अब यहाँ पे हम जो गाड़ी लगे सीधे इस कंपाउंड में ढोकते हैं क्योंकि दोस्तों हमें लग रहा था शायद पेट्रोल पंप में ना बंदे हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो है ना भाई सामने बंदे होते हैं जो आप देख रहे हैं ट्रिपल स्टोरी, तो भाई अशोक को बंदे दिख जाते हैं। तो अशोक बोलता है एक काम करते चलो 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 मारने चलते हैं, तो मैंने कहा ठीक है चल मारने चलते हैं। अब फिलहाल दोस्तों यहाँ पे जो है मैंने कहा चलो भाई फायर भी हो रहा है अच्छा मौका है भाई थर्ड पार्टी करते हैं। फिलहाल दोस्तों यहाँ पे जो है मैं भाई पैदल ही पैदल निकल जाता हूँ, मैं अशोक को बोलता हूँ गाड़ी लेके गाड़ी लेके एनीवेज़ घर के तब गाड़ी गई थी फिर वो आगे गई होगी तो वही फायर हो रहा है। चलो मेरे हां अंदर ही हो रही है घर में ही हो रही है। अब फिलहाल दोस्तों यहाँ पे जो भाई लोगों की भाई तगड़ी वाली फाइट होती है फिलहाल दोस्तों मैंने कहा अरे भाई मैं मारूंगा मैं भी थर्ड पार्टी करूंगा मेरे को भी किल चाहिए। फिलहाल दोस्तों मेरे को भी कैडी बढ़ानी थी इसलिए दोस्तों यहाँ पे जो मैं आगे बढ़ता हूँ और यहाँ पर थोड़ी देर होल्ड करता हूँ। अब यहाँ से दोस्तों यहाँ पे जो भाई पैदल पैदल आता है भाई गाड़ी लेके नहीं आता है और भाई मैं सिर्फ अंबानी मांगता हूँ और मैं सोचता हूँ चलो भाई बन जाऊंगा मैं अंबानी इनको मार के। देखो लेफ्ट में देखो
और यहाँ पर सुबह इतने में लेफ्ट में एक बंदा होता जो कि भाई असू मारता है, वरना भाई वो मेरी पेटी बना देता। और जैसे तो उसको मारता है तो भाई मैंने कहा चलो भैया मैं जो है आगे बढ़ता और बमबारी मारने की कोशिश करता हूँ। अब यहाँ पर मैं जो है रेंडमली नेट मारता हूँ, लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो कोई भी नहीं फूटता है। फिर मैंने कहा यार क्या करूँ, तो मैंने कहा चलो भाई इस वाले घर के अंदर भी चेक कर लेते, क्या पता कोई करोना कड़वा काढ़ा या फिर जो है बम्बानी मिल जाए। और भाई मेरे को फाइनली करोना कड़वा काढ़ा मिल ही जाता है, तो मैंने कहा चलो भाई इसको फेंक के मारते हैं। फिलहाल दोस्तों यहाँ पर जो मेरे को बता दे यार यहाँ से एंगल अच्छा मिल नहीं रहा है, तो भाई इस घर से बाहर निकल के ही मारना पड़ेगा। और यहाँ पर मैं जो घर से बाहर निकलता हूँ तो भाई मेरे को एक नहीं दो दो बंदों के फुस्टअप आते हैं, तो भाई मैं ऐसी रैंडमली सीढ़ी के पास फेंक देता हूँ। और मैं देखता हूँ यहाँ पे दोस्तों जो है भाई कंटिन्यूसली जोन के बाहर फायर चल रहा है, तो भाई मैं चेक करता हूँ और मैं देखता हूँ भाई जोन के बाहर से कौन आ रहा है। और यहाँ पर मैं देखता हूँ भाई जोन के बाहर से गीली लुंगी वाला आ रहा है जो कि करके आ रहा किसी की ढीली लुंगी, तो मैंने कहा रुक जा बेटा मैं तो नहीं करूंगा। और यहाँ पर भाई फाइनली भाई मैं भी मार रहा था और भाई ऊपर वाला बिल्डिंग वाला मेरा मार रहा था उसको, लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो भाई फाइनली मैं किल लेता हूँ और भाई वो छिड़ जाता है और वो चेक करने आता हूँ बंदा किधर, और भाई मेरे को देख भी लेता है वो। अब भाई इसकी और मेरी क्या ही फाइट हुई। फिलहाल दोस्तों यहाँ पर जो है भाई मैं नीचे आता हूँ वापस से, और उसके दोस्तों यहाँ पर जो मैं होल्ड करता हूँ क्योंकि मैंने भाई दो बंदे एकदम से नहीं जा सकता हूँ। और यहाँ पर मैं जो मैं मर से वाले आगे करता हूँ पैसे गुड मारता हूँ, मैं सोचता हूँ क्या पता भाई मेरे को मार मार ना दे। अब यहाँ पर इनके ऊपर रश करना था वापस से, तो मैंने कहा क्या ऊपर से जाऊँ वापस, क्योंकि भाई अब वो जो है अलर्ट होंगे, तो फिर मैंने कहा नहीं यार ऊपर से तो नहीं जा सकता हूँ, इसलिए दोस्तों यहाँ पर जो मैं नीचे थोड़ी देर होल्ड करता हूँ। और अब देखो दोस्तों यहाँ पर जो है हम इनको कैसे मारेंगे। स्मोक किया मैंने। अब यहाँ पे जो मैं जो भाई घर के पीछे साइड में आ जाता हूँ भाई, यहाँ पे दोस्तों एक लैट्रिन होती है, तो जैसे दोस्तों यहाँ पे मैं आता हूँ ना तो ये वाला बंदा कुछ ज्यादा हीरो बनता है। और आप देखो क्या करेगा ये, मैं निंजा हथौड़ी आ गया हूँ ले फिर खा मेरा हथौड़ा। फिलहाल दोस्तों यहाँ पे जो है मैं इसको यम 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 पे से मारता हूँ और ये अपने दोस्त बोलता हूँ अरे भाई मैंने वन एच पी कर दिया, अरे मैंने वन एच पी कर दिया, सच में कसम से भाई झूठ नहीं बोल रहा भाई, आज बीजे में डिलीट कर दूंगा भाई अगर भाई वन एच पी ना हुआ। फिलहाल दोस्तों यहाँ पे जो है इसका दोस्त भाई इसके पास सच मार लेता है और भाई मेरे ऊपर रश करता है और ले ले अब तू भी डिलीट कर साथ में। फिलहाल दोस्तों यहाँ पे जो है भाई ये दोनों मर जाते हैं और भाई इन दोनों को दोस्तों यहाँ पे जो है मारने के बाद भाई मेरे को इनसे क्या ही लूट मिलती है भाई, अमृत का घड़ा वड़ा सब कुछ होता है भाई इन लोगों के पास, और लेवल 3 का टोपा भी मिल जाता है। फिलहाल दोस्तों यहाँ पे जो है एक बागड़ी खड़ी होती है, तो मैं और असू भाई जो है उसको लेके भाई यहाँ से दोस्तों जो है चूरन छूट में निकल जाते हैं, क्योंकि भाई जोन आने वाला था और हमें जो है फटाफट से जोन के अंदर जाना था। अब यहाँ पे हमें ना डाउट था ऑलरेडी कि भाई पेट्रोल पंप पे बंदे हो सकते हैं, तो यहाँ पे जो हमें जो भाई गाड़ियां भी दिख रही थी भाई पेट्रोल पंप के पास में, तो मैंने कहा चलो भाई ये लेमन ग्री लेके चलते हैं अपनी, क्योंकि भाई बग्गी में तो भाई उतर जाते हैं ना डर रहता है, तो यहाँ पर जो है लेमन ग्री में बैठता हूँ और असू जो है बागड़ी में जाता है। और आप देखो हमें बंदे कहाँ मिलेंगे, डायरेक्ट शॉप पे लेता हूँ यही पे। अब यहाँ पे दोस्तों जो है भाई हम फाइनली भाई जो है पेट्रोल पंप के पास में आ जाते हैं, तो यहाँ पे कोई भी हमें मजदूर तो मिलता नहीं है। फिर मैंने कहा यार यहाँ पे शॉप है और क्यों ना दोस्तों हमारे पास कॉइन है, तो आप लोगों को याद होगा दोस्तों मैंने बोला था आप लोगों को कि भाई मेरे को फ्लेयर गन मिलती है, तो अभी आप देखते जाना भाई मैं जो है इस फ्लेयर गन को भाई यहाँ से रिडीम करने वाला हूँ और भाई अब जो है बंदे के ऊपर यूज करने वाला हूँ, तो बस आप देखते जाना। उससे पहले दोस्तों यहाँ पे जो है भाई मैं जो है फटाफट से पहले चेक करता हूँ अच्छे से भाई कोई बंदा तो नहीं है ना। लेकिन दोस्तों सबसे पहले भाई मेरे को एक नागिन दिख जाती है भाई जो कि हवा में लेट रही, क्या बोला तूने, जो कि दोस्तों घास में लेट रही थी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो है मैं फटाफट से भाई शॉप से भाई रिडीम करता हूँ भाई यहाँ पे फ्लेयर गन, और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो है अब मेरा फ्लेयर गन तो हो गई थी, तो मैंने कहा चलो भाई एक काम करते इसको जाके ना जोन में चलाते हैं। मेरा कोई इरादा नहीं था बंदे के ऊपर चलाने का, लेकिन दोस्तों यहाँ पे अभी आप देखते जाना भाई जब मैंने देखा ना भाई लॉबी में लास्ट बंदे बेचा, तो मैंने कहा चलो भाई इसके ऊपर फ्लेयर गन चलाते हैं, चलो उसके ऊपर फ्लेयर गन चलाते हैं। और भाई अभी हम जो है इसको ढूंढने आगे निकलते ही है और हमें देखना बंदा कहाँ मिलेगा, बिल्कुल बगल में मिल गया। और भाई मैं दोस्तों यहाँ पे सोचता हूँ कि चलो भाई इसके ऊपर फ्लेयर गन मारते हैं, और अब देखो अब भाई मैंने एग्जैक्ट मारी, लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो भाई फ्लेयर गन से कुछ होना तो था नहीं, तो भाई ये था गिली लूंगी, मैंने कहा करता हूँ अभी तेरी ढीली लूंगी। और भाई साहब यहाँ पे दोस्तों जो है बोल रहा था मुक्के मारो, लेकिन मेरे दिमाग से निकल गई। और भाई मैंने इसी के साथ भाई फाइनली 17 किल के साथ दोस्तों यहाँ पे जो है इजी सी किल कर दिया था। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वाली वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर न्यूज पैक कीजिए, और आप जिसने मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो करा भाई फटाफट से फॉलो कर लो। और भाई मैं आजकल गौरव और बीच में लाइव स्ट्रीम कर रहा हूँ, तो भाई जाके भाई उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना अगर आप लोगों को मेरी लाइव स्ट्रीम देखनी है। और मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, धन्यवाद।